बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा बात करते हैं, आज चैप्टर नंबर 12 था और इसके हम कर रहे थे अनसीन शार्ट क्वेश्चन। तो पहले हमने दो इसके अनशार्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम थर्ड देखते हैं, 12.3 और साथ के लिखा हमने अनसीन शार्ट क्वेश्चन। पेपर में ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट शो दैट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये हम लोग करना चाहते हैं, तो पहले हम लिखेंगे इसको, करेंगे डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा दो इसमें प्लेट्स हैं, एक प्लेट इस पे बनाएंगे पॉजिटिव और एक प्लेट बनाई हमने नेगेटिव। इस प्लेट का नाम सपोज किया वी है, इस प्लेट का नाम ए है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नाम की क्यू का नाम लिया, तो बेटा ये चार्ज खुद ब खुद आएगा। अब हमने चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं कि ए से बी की जाना। हम कहते हैं द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को रखेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मुराद इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। हम कहते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा हमने सिंपल बात की वो है, हम कहते हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाए दो पॉइंट्स के दरमियान जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, इसके दौरान जितनी एनर्जी वो हासिल करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, अटेन या लॉस करे जब उसको मूव कराया जाए दो पॉइंट्स के दरमियान। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, मसलन एक कोई पार्टिकल को चार्ज पार्ट कोई पार्ट मैस है। अब बेटा इसको हम यहाँ लिफ्ट कराते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, अब उसने ये ग्रेविटेशन फील्ड है। अब इसको हम ऊपर मूव कराना चाहते हैं ऐसे, तो इसका मतलब जब हम ऊपर लेके जाएंगे द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अब बेटा जब इसको हम छोड़ेंगे ये मूव करेगा फ्रीली वाला ऐसे नीचे जाएगा, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन अटेन हासिल करता है या लॉस करता है जब उसको मूव कराया जाए दो पॉइंट्स के बीच जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लिखेंगे दी एनर्जी अटेन में ना अचीव हासिल करना, दी एनर्जी अटेन और लॉस्ट। तो बड़ा एनर्जी कभी लॉस नहीं होती, बल्कि वो आप इसको यूं करना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। दी एनर्जी अटेन और लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन इट इज, एक लफ्ज लिखते हैं ट्रैवर्स, ट्रैवर्स को बेटा हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड, मूव कराना, मूव्ड एक ही। तो लफ्ज बच्चे अक्सर लगे जाते हैं ट्रांसवर्स, बेटा ट्रांसवर्स नहीं, ये लिखा है ट्रैवर्स, TRAVERS ट्रैवर्स। दी एनर्जी अटेन और लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन इट इज ट्रैवर्स या मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस
ऑफ 1 वोल्ट. दी एनर्जी अटेन और लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन वेन इट इज ट्रेवर्स मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये कन्फ्यूजन है जैसे वोल्ट का लफ्ज आ जाकर, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ बटन. अब हमने प्रूव करना है भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल होता है. हम इसका करते हैं प्रूफ. एज वी नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो बेटा वर्क कौन सा किया है, हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया, हमने ए से बी की तरफ, हम लिखेंगे ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू पोटेंशियल डिफरेंस का नाम डेल्टा वी है. ये जो बेटा हमने वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको नाम देंगे डेल्टा यू. क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी. तो बेटा डेल्टा यू का नाम क्या है, क्यू डेल्टा वी. जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे तो ये चार्ज हमारा खुद बहुत नीचे आएगा. जैसे पहले हमने इसको लिफ्ट किया था, अब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब उसकी एनर्जी को कहते हैं के. हम कहेंगे बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पीई इज इक्वल टू गेन इन के. में कन्वर्ट करें तो बेटा लॉस इन पी की बात की जाए वो हम लिखेंगे डेल्टा यू, और यहां लिखेंगे डेल्टा के ई. सिंपल डेल्टा के. बेटा फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू अगर डेल्टा के, तो डेल्टा यू की पहले हम इक्वेशन निकाल चुके हैं वैल्यू, वो था क्यू डेल्टा वी. अब इसको इंटरचेंज करते तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो पार्टिकल के ऊपर चार्ज को क्यू के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इसको ई से लिखते हैं तो हम कहते हैं इफ हमारा क्यू जो है वो ई हो, ई से मराद इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर मनफी 19 कॉलम हो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम ले रहे हैं 1 वोल्ट. तो फिर क्या होगा, हम लिखेंगे देयर फोर चेंज इन के ई इज इक्वल टू, तो बेटा हम क्यू की वैल्यू हमने ये पुट की है 1.6 10 की पावर मनफी 19 कॉलम, और जो डेल्टा वी है इसकी वैल्यू लगाई है हमने 1 वोल्ट. अब हमारे पास आएगा 1.6 10 की पावर मनफी 19 कॉलम और वोल्ट. तो कॉलम वोल्ट किसके इक्वल होता है वो हमने बात करी, वो हमने पहले बात की थी, वर्क डन पर चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो बड़ा वर्क यूनिट क्या होते हैं, जूल, चार्ज के कॉलम और पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट. अब इसको यहां ले जाएं तो जूल किसके इक्वल होगा, कॉलम इनटू वोल्ट. इसका मतलब ये कॉलम और वोल्ट किसके इक्वल होगा, जूल के इक्वल. 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू डेल्टा के. ये हमारे पास एनर्जी है. हम कहेंगे दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कॉल्ड, इसी को बड़ा कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन ने हासिल की है जब हमने इसको मूव कराया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड,
दो पॉइंट्स के दरमियान जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं देयर फोर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जो ये हमारा। तो ये था हमारे पास 12.3 अनसीन क्वेश्चन था, तो हम करते हैं 12.4 अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन कराम देते हैं। तो बेटा हमने पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू लाइक्स एंड टू अनलाइक्स बिटवीन एफ ई एंड एफ जी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, कोलो फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कौन सी दो चीज़ें कॉमन हैं और कौन सी दो चीज़ें डिफरेंट, ये हमने बात करनी। पहले हम इसका लिखते हैं आंसर, हम लिखेंगे लाइक्स मैंने एक जैसी, लाइक्स बिटवीन एफ ई एंड, तो बेटा हमने दिपना भी इन दोनों में लाए, तो बेटा एफ ई कॉलम फोर्स में कॉमन चीज़ क्या है, अगर देखा जाए तो जो कॉलम फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो हम उसे लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्केयर। अब बेटा ये चार्जेस और ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट एफ, ये कांस्टेंट खत्म करेंगे, 1 ओवर आर का स्केयर। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो फार्मूला दिए न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन से, वह है कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर का स्केयर। बेटा ये जी यहाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शन टू 1 ओवर आर का स्केयर। अब इन दोनों फोर्स को देखें, ये इन दोनों का तल्लक आपस में इनवर्स भी है, साथ स्केयर भी है, इसे कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ। इसका मतलब ये दोनों में प्रॉपर्टी हम कहेंगे, रिजल्ट क्या निकाला, बोथ फोर्सेस ओबे बोस ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, ये दोनों फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करते हैं, ये हमारा पहला हमने देखा, ये था दोनों में सिमिलरिटी। अब दूसरी सिमिलरिटी इसमें ये देखते हैं, इसके अलावा कौन सी, ये तो ये सिमिलरिटी है, बाकी ये दोनों जो फोर्स हैं हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड फर्स्ट ईयर में, तो बेटा कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें जो वर्क जो है वो तय करदा फासले पे डिपेंड नहीं करेगा, द फील्ड इन विच वर्क डन डस नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो बेटा कंजर्वेटिव फील्ड में हमने तीन देखी थी बातें चैप्टर फोर में, फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव हमने देखे थे वो फील्ड थे। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो फासले पे डिपेंडिंग, हम लिखेंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। बेटा ये दोनों फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हैं, और कंजर्वेटिव फील्ड वो होते हैं जिसमें वर्क जो है तय करदा फासले पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड हैं, लिहाजा दोनों फोर्सें कौन सी होंगी, कंजर्वेटिव। दिस इंप्लाई दैट बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इसका मतलब है दोनों में सेम क्या चीज़ है, ये दोनों फोर्सें इनवर्स स्केल लॉ को बे करती हैं और दोनों फोर्सें हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है।
अब हम देखते हैं हमने ऑन लाइक्स क्या हैं। हम लिखेंगे ऑन लाइक्स बिटवीन एफ ई एंड एफ जी, इनमें ऑन लाइक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें से बेटा अभी ये बात देखते हैं। अभी हमने बात की थी के की और जी की, तो बेटा एफ ई में क्या आता है, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्केयर। के बड़ा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पड़ी थी 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्केयर और कॉलम का। इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है जी एम वन एम टू आर का स्केयर, और यहाँ बेटा जो जी आपके पास है वो है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्केयर और केजी से। अब बेटा देखें इसकी पावर प्लस 9 में, इसकी पावर −11 में है। हम कह सकते हैं के इज ग्रेटर देन जी। के जो है जी के मुकाबले में बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे हम कहते हैं माइट इज राइट। अब इसी एग्जांपल देखें, ए हम लिखते हैं सपोज किया 10b और मैं लिखता हूं यहां ए प्राइम, वो लिखता हूं 100b। तो बेटा अब देखें अगर बी को 1 का नाम दें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब बी को 1 रखें ए कितना आएगा 100। तो अब ये जो 10 और 100 है, उर्दू मीडियम में कुछ हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिहाज से इसे बोलते हैं अदी सर और इंग्लिश में कहते हैं कोफिशेंट। तो बेटा जिस इक्वेशन का कोफिशेंट बड़ा होगा वही यह हम कह सकते हैं कि ए प्राइम ए से बड़ा है। तो जिस रकम का कोफिशेंट बड़ा होगा वो बड़ी होगी। इसका कोफिशेंट के है, इसका कोफिशेंट जी है, क्योंकि के जी से बड़ा है लिहाजा हम कह सकते हैं एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी। तो ये दोनों फर्क है, इसका मतलब ये स्ट्रांग फोर्स है और ये क्या है वीक। हम कहेंगे एफ ई इज स्ट्रांग फोर्स वाइल जबकि एफ जी इज वीक फोर्स। तो ए वो स्ट्रांग फोर्स है, ये ए। अब दूसरी इसमें हम कह सकते हैं बेटा ये जो एफ ई है, अगर एफ ई की बात की जाए, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों नेगेटिव हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिहाजा यहां से रिजल्ट ये निकाला, ये जो एफ ई है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी है साथ साथ क्या है रिपल्सिव भी। हम कह सकते हैं एफ ई इज अट्रैक्टिव, इसके साथ साथ एज वेल एज बड़ा रिपल्सिव ही हो। जबकि अगर बात की जाए एफ जी की, वो बड़ा होता है जी एम वन एम टू ओवर आर का स्केयर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा होती है अट्रैक्टिव, क्योंकि मैस हमेशा पॉजिटिव होती है। हम दे सिंबलाइज दैट एफ जी इज अट्रैक्टिव होंगे। तो पूरे क्वेश्चन में क्या हमने आखिर पर जरा निकाला, तो बेटा दोनों में अनलाइक्स बहुत सारे, लेकिन हमने कोई से दो लिख सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। तो ये जो कॉलम फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये स्ट्रांग फोर्स है और ये क्या वीक फोर्स है, क्योंकि के से किंग है और जी से ग्रीब है, किंग बेचारा ग्रीब से बड़ा ही होता है। तो ये स्ट्रांग फोर्स है, ये वीक फोर्स है। तो ये जो कॉलम फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, जबकि ये फोर्स सिंपल क्या होती है ग्रेविटेशन। ये हमारा था क्वेश्चन।